मेरी कोई पिक्चर नहीं खींच रहा। सुना जी दुल्हा की बहुत ही कोई धमाकेदार एंट्री होने वाली है। ये अपनी माँ के पास जाओ, जोड़ी बच्चों Assalamualaikum everyone, good morning. So, आज का व्लॉग का टाइटल पढ़ के आपको पता चल गया होगा कि हम लोगों ने कहाँ जाना है। हम लोग परीक्षा की बारात में जा रहे हैं। इट्स गोइंग टू बी अ रियली गुड इवेंट। मेहंदी जितनी अच्छी थी उतनी ही ज़्यादा अच्छी बारात होगी, बिकॉज एक्चुअली में वरीशा की शादी का हर एक इवेंट बहुत मज़े का था। एंड यू नो आई रिग्रेट पर्सनली कि मैंने मेहंदी को क्यों नहीं व्लॉग किया, बट आई जस्ट डिड नॉट वॉन्ट टू लीव दिस चांस कि मैं बारात को भी जाना मिस कर दूँ। सो एम डूइंग इट एंड आई एम श्योर बारात के अंदर जितने सारे इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं सारों के ही, चाहे वो फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, या ब्राइड हो, ग्रूम हो, एवरीबडी इन्वॉल्व, एवरीबडी हु इज देयर हैज सम काइंड ऑफ इमोशनल इंटेंसिटी ओवर देयर। तो हम उस चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे एंड काफ़ी सारे दोस्त होंगे मेरे वहाँ पे, तो आई मेक श्योर कि मैं आप लोगों को सबको दिखाऊँ, सबसे बात करवाऊँ। एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा मसला है, और वो मसला ये है कि अभी 3:30-4 का टाइम हो रहा है और मैं 6 बजे तैयार होनी स्टार्ट हो जाऊँगी, लेकिन मेरा ड्रेस नहीं आया अभी तक। आई हैव नो क्लू कि अगर वो नहीं आया तो मैं क्या पहनूंगी। अभी अभी बोला था कि मेरा ड्रेस नहीं आया और का? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। पहले मैं सोच रही थी कि मैं इसकी अनबॉक्सिंग जो है वो व्लॉग के अंदर ही करूँ, बट नाउ मैं सोच रही हूँ कि नहीं, ना 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 ना, यू गाइस शुड वेट टिल, ओके आई गॉट अ मैसेज, आई एम सो सॉरी, यू गाइस शुड वेट टिल द इवेंट ताकि मैं तैयार होकर डायरेक्ट दिखाऊंगी कि मैं कैसी लग रही हूँ। सही है? तो या आई एम गोना डू अनबॉक्सिंग पर्सनली एंड देन मैं मम्मा को दिखाती हूँ, पहन के देखती हूँ। यार हमारे बड़े मसले होते हैं, पता है आपस की बात है, हमारे कपड़े नहीं आते एक तो, फिर कपड़े आ जाए तो उनका साइज़ इशू, द कलर इशू, द कलर इफ़ द कलर विल कॉम्प्लीमेंट अवर स्किन कॉम्प्लेक्शन और नॉट, या यू नो द मेकअप, द लुक, इट्स ऑल अ मेस। बड़े मसले होते हैं हम लड़कियों के। तुम लड़कों का कितना चल होता है ना, बस एक काला कुर्ता शलवार पहन लो या काली शर्ट पहन लो, फोल्ड योर स्लीव्स, बड़े प्यारे लगते हो। मैंने ऐसा कोई बेड़ा आखर किया है, मैंने सारी नीचे की ड्रॉस खोल के देखने के बाद मेरे पैर आ रहा है। मेरे पैसे माशाल्लाह बहुत कमाल हो गया। क्या आप भी अपने पैसे ऐसे छुपा छुपा के रखते हैं? यार मतलब मुझे ज्वेलरी नहीं मिल रही है, मुझे कॉपर कलर की ज्वेलरी चाहिए। फोकस क्यों नहीं हो रहा? हेलो हेलो हेलो, ध्यान में डालो, मुझे कॉपर कलर की ज्वेलरी चाहिए, लेकिन मुझे कॉपर कलर की ज्वेलरी मिल नहीं रही है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। सो क्या किया जाए यार, क्या करें? पता है मेरी दराजें मैंने ख़राब कर ली पूरी दराज, मेरी दराजों में से मुझे क्या क्या मिला है, हैप्पी बर्थडे बलून, पता नहीं क्या क्या रखा भाई, दुनिया जहान का सामान। अच्छा तो अब मैं तैयार होने लगी हूँ, मैं सो गई थी 1 घंटा, बहुत लाजमी था मेरे लिए, अगर मैं नहीं सोती ना तो। तो मैंने बेहोश उतारा था। सो या आई एम गोना गो गेट मैरिड, गेट रेडी। मैं हो चुकी हूँ तैयार, दिस इज माई फाइनल लुक एंड यस आई डिड माई मेकअप खुद से, अच्छा किया है ना, मुझे भी खुद यकीन नहीं आ रहा था। और अच्छा मेरे एक एक्सटेंशन थी मेरे इस्तेमाल में एक, सो प्लीज दैट इज मम्मा लुकिंग ऑल हसीन, माशाल्लाह माशाल्लाह, थम्स अप। एंड या हम होने लगे हैं जी रवाना, कोरंगी में कहीं है और हमें पता नहीं है कि कहाँ जाना है हमें। तो नाउ वी आर गोइंग टू ओपन दी गूगल मैप और हम गूगल मैप से लोकेशन निकालेंगे, लोकेशन निकाल के फिर हम वहाँ पहुँचेंगे, फिर वहाँ पहुँच के मैं आपको दिखाऊँगी क्या हो रहा है, कैसे हसीन हसीन लोग वहाँ पे मौजूद हैं मुझ समेत और अम्मा समेत ऑब्वियसली। एंड यस ओके बाय, आ जाओ तुम भी आ जाओ। अच्छा ये भी हसीन है भाई, ये भी हसीन है। Okay. So we are finally here. और मुझे कौन मिला आज के साथ ही? अरीफा, तुम्हारा नाम है? अनुषा, सॉरी सॉरी सॉरी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अभी यहाँ पे बहुत सारे और भी लोग हैं जिनसे मैं सबको मिलवाऊंगी, वहाँ का उनका फोटो सेशन शुरू हुआ है, मैं भी चलती हूँ। तुम लोगों का हो गया? मेरा तो हो गया, मेरा नहीं हुआ। Girls being girls. कैसी है आप मुस्कान? कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही है। कैसी लग रही है मुस्कान, कमेंट सेक्शन में। ये
कचरा। चलो अब हम जा रहे हैं बच्चों स्टेशन के। थैंक्स टू समोसी, समोसी ने फोटोग्राफर अरेंज की, शुभ भाई शूट करवाने करवा लो। ओके सुना है कि बारात आ चुकी है, हम जा रहे हैं गेट पे देखने के लिए। नहीं मैं दिखा रही हूँ कि दुल्हन की बहन कितनी टेंस्ड है, बहुत टेंशन का माहौल है। मेरा ही व्लॉग नहीं चल रहा, बाकी सबका व्लॉग चल रहा है। चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हें क्लिप्स दे देंगे। चलो तुम सब लोग मुझे क्लिप्स दे देना ताकि मेरे भी क्लिप्स बने हुए। सही है, कैसी फीलिंग है? बहुत ज्यादा मिक्स्ड मिक्स्ड फीलिंग्स है, बहुत एंजाइटी भी हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बारात आ रही है, टेंशन हो रही है मेरी बहन। और वो भी तब जब अपनी बहन को खुद से दुल्हन बनाना। वही तो मैं रो रही थी उसको तैयार करते हुए, ये हो रहा था। सुना है जी दुल्हन की बहुत ही कोई धमाकेदार एंट्री होने वाली है और नजर भी आ रहा है, इट्स अ सरप्राइज, आई कैन सी इट फ्रॉम राइट हियर, लेकिन मैं बता नहीं रही हूँ। आई विल शो यू गाइस। बोला कि आप खड़े नहीं हो और ना ही रिकॉर्ड करें, ये वरीशा ने कहा है। हाँ बट हम फिर भी कर रहे हैं बिकॉज़ वरीशा ने हमें कहा था कि नहीं हमें रिकॉर्ड कर लेना हर चीज, माइनर सी माइनर चीज। और ये व्लॉग वैसे भी अभी डलेगा नहीं, सो वरीशा की एंट्री सीक्रेट ही रहेगी।
शादियों में इतना अच्छा खाना होना नहीं चाहिए वैसे। अगर हो जाए तो फिर वही हाल होता है जो वहाँ हो रहा है। हो रहा है। मैं ये लड़ झगड़ के आए हम लोग, बहुत लड़ा हमने, धक्के मारे हमने लोग, हमें बोटियाँ उड़ती हुई मुँह पे लगी हमारे। मैंने खड़ा किया कि चलो चलते हैं, सबको अल्लाह हाफिज़ कह के आ गए। आप मम्मा मैं यहाँ पे खड़ी हुई लूडो स्टार खेल रही है, पाकिस्तानी मॉम्स गाइस। बाय द वे ये देखो, ये मुझे बच्ची ने दिया, मजाक कर रही हूँ, बच्ची से लिया है मैंने ज़बरदस्त। वी आर गोइंग नाउ एंड बाय बाय टू द वेरी प्रिटी वेडिंग। अल्लाह ही हाफिज़ है भाई आप लोगों का, तौबा तौबा। ये सड़क पे खड़े होके तस्वीरें हो रही हैं भाई, ये स्लोमोस बन रहे हैं, वीडियो कुछ तो बन रहा है। हम भी बनाएंगे, सब गड्ढे में कूदेंगे, हम भी कूदेंगे। तौबा करके अपना कैमरा खुल गए, शुरू हो गई। इतनी अच्छी लाइट आ रही है वैसे वाकई यहाँ पे, वाओ मैं तो इतनी अच्छी लग रही हूँ। वाओ यार सही बात है, नाइस लाइट हो गई। वाओ व्लॉग है। Yes. Guys, मैं बहुत प्यारी हूँ, मुझे फॉलो कर ले। चलो बेटा इससे पहले मोबाइल से। ठीक है भाई, ओके चलते हैं। फाइनली बैक फ्रॉम द वेडिंग, इट वाज एन अमेजिंग इवेंट। और वरीशा सबसे बड़ी बात, बहुत बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। आई विश हर अ वेरी वेरी हैप्पी लाइफ। प्लीज़ एक्सक्यूज द नॉइज एट द बैकग्राउंड। मेरे घर के नीचे एक हॉल है जहाँ पे कवाली नाइट हो रही है, यू कैन सो मी टू शो इट, वहाँ पे हो रहा है। यस अच्छा, एनी वेज वरीशा वॉज लुकिंग फैप्यूलस, इतनी प्यारी दुल्हन लग रही थी। वरीशा हर्सेल्फ इज वेरी प्रिटी, बट दुल्हन बनने के बाद जो कहते हैं कि नूर आ गया, वो उसके चेहरे पे वो नूर आया, मतलब शी वॉज हैप्पी। यस आई एंजॉयड अ लॉट, बहुत मज़ा आया मुझे वहाँ पे। या सो दैट्स अबाउट इट एंड आई डोंट नो व्हाट टू से, आई एम जस्ट वेरी इमोशनल राइट नाउ बिकॉज मैंने रुखसती नहीं देखी, बट रुखसती आई एम श्योर कि वो और ज़्यादा मजीद इमोशनल होगी considering how attached Varisha is with everybody. I'm not crying. अगर आपको vlog पसंद आया हो, I know बहुत सारी कमी पेशियाँ रह गई होंगी तो उसको ignore कर देना please. I am vlogging after 2 years और मुझे बिल्कुल नहीं पता है कि कैसे होता है vlog. I'm not a professional vlogger. तो हाँ ये कर देना, subscribe कर देना ताकि मुझे motivation मिले मज़ीद vlogs बनाने की. And yeah, take care. I'm sorry, I just need 1 minute to make sure I look good. Do you think I look good, Mr. Armstrong?